अब हम तो भैया हम नेताओं को कंधे पर उठाएंगे, हम ऐसे बच्चों को उठाएंगे और आपको दिखाएंगे जो गाय बंस के सिर्फ गाय माता के नाम लिया और रो पड़ी। आपका नाम क्या है? सानवी। आप यहाँ पे क्यों आए? गाय की सेवा करने। किसने बताया आपको यहाँ पे आने के लिए? ये तुम्हारी दादी है, गाय की बात सुनाती है, है? तभी आई हो आप यहाँ पे। मुझे मुझसे बोलो, डरो मत, शर्माओ मत। देखो भाई, एक बार सानवी पोखराल के लिए भी आपने जो है अवश्य आपने प्रतिक्रिया देनी है ना। अरे एक लोग देखो, ताली बजे सानवी के लिए। कितने साल के हो तुम? 8। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट में। ये देखो, ऐसा लग रहा है जानवी रोने वाली सानवी। इसको पता लग गया कि गाय माता बहुत कष्ट में है ना। ये देखो, ऐसा लग रहा है आंसू निकलने वाले। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देख लो। कसम भगवान की, माता रानी गौ माता की, दोस्तों मैंने इसे कोई शिकायत नहीं है, प्री प्लान नहीं है, क्योंकि बहुत अब बच्चा रो पड़ा गौ वंश के लिए। क्या अभी भी सरकार सुनेगी या जागेगी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगी? और अब हम तो भैया हम नेताओं को कंधे पर उठाएंगे, हम ऐसे बच्चों को उठाएंगे और आपको दिखाएंगे जो गाय वंश के सिर्फ गाय माता के नाम लिया और रो पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मुझे भी लग रहा है, मुझे विश्वास हो चुका है कि अब हमारी गौ वंश जो है, हमारी गौ माता है, आपको सड़कों पर नहीं दिखेंगी बल्कि गौशालों में दिखेंगी या घरों में दिखेंगी। तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और धन्य है ऐसी दादी को। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूँगा कि आपने जो है आप अपने बच्चों को अवश्य ये कहानी सुनाएं कि गाय क्या होती है, गांव के बारे में बताएं। हम बोल रहा हूँ कि बच्चा लग गया मोबाइल पर, वो तब लग गया, दुर्भाग्य उनका, कहे दादा छे नहीं देखे जगह, दादा दादी छ अपना बच्चों को ही थोड़ा सा सीखते देखो ना। और वो बैठे होते, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं अपनी सासू तई ससुर तई कि तुम चाहे सुन लो पुरानी बात, ये सीखे वन अब तो कंप्यूटर जवान होएगी, यो तो पढ़ जा दो यो का नहीं सुना। देखो अगर गाय की बात करेंगे, गाय के लिए रोएंगे, जो हमारे धर्म की मूल जड़ है, तो अवश्य ही हमारे बच्चों का विकास होगा। एक बालक आपने देखा होगा, शायद हरियाणा की ये बात है, जो उसको शायद टार्जन कुछ बोलते हैं, वो गौमूत्र का सेवन करता है और कैसे किस प्रकार से पलटी खाता है, दंड लगाता है, ये कहीं ना कहीं गाय कृपा है। और दोस्तों हम वीडियो आपको इसलिए दिखाते हैं कि गौवंश आज आपने, अगर आप समझते हम पत्रकार, हम गाय के पत्रकार हैं, हम कोई कलाकार नहीं, मैं भी जो बोलता हूँ शायद गाय माता कृपा से बोलता हूँ। आपको लगता होगा कि गाय माता हमने पाली नहीं है, पालना प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, किसी ने किसी रूप में कोई पाल रहा है, तो बहुत बहुत प्रणाम। अब भाई इसको जो है सब लोग मिलकर एक गिफ्ट जरूर देंगे, ये गिफ्ट मैं भी लाऊंगा आपके लिए। और जब तुम्हारे पास गिफ्ट आ जाएगा, जब तुम्हें गिफ्ट देंगे, तो सबके नाम लिखने, आपने किसने क्या दिया और फिर क्यों दिया वो दिखाऊँ, वो भी वीडियो में बनाऊँगा। तो एक बार फिर से भाई सानवी के लिए जय गौ माता। कोई बात, देखो मैंने क्या कहा, दो बच्चे आते हैं, मैं बता दूं आपको आज तक क्या होता था, लोग क्या देखा, ये देखा भाई, ये देखिए ये। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये आसर ये है कहने का, वीडियो लंबी हो गई है, कि हम जो दिखाएंगे वही समाज में फैलेगा। इसलिए जो है आपके पास भी कोई ऐसा विलक्षण बालक या बालिका हो जो इस प्रकार के सेवा करते हो, तो भाई उसके लिए आप जो है जरूर की सराहना करें, उसे को सीखे और उसी काम को बेहतर कैसे कर सके, इस पर भी आप प्रकाश डालें। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। ये देखो भाई, ये देखो एक माता और बटन खोलो। अब मैं तो उल्टा फंस गया, बल्कि अब गिफ्ट लाऊंगा, मैं घर से लाऊंगा इसके घर से। अच्छा अब ये भी पूछूंगा, इसे चॉकलेट मिलती थी आप खा आती, चॉकलेट मिलती तो आप खा आती, अब आपको ये पैसे मिले गाय माता के नाम पे, अब इन पैसों को आप क्या करोगी? मुझे पता है आप गाय माता के लिए कुछ लाओगी, है ना? ये देखो अब ये गाय माता के लिए क्या लाती है, जिस दिन लाएगी मुझे भी बताएगी, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई अब ये देख लो, अक्सर आपने देखा होगा, छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा, कि मंच पर जब कोई कलाकार नाचता है, थिरकता है,
न जाने वो गाना भी क्या था, हम ताले खूब बजाते हैं, खूब इनाम देते हैं। जिस दिन हम ऐसे काम करने वालों को इनाम देंगे तो हर बच्चा हर बुजुर्ग अच्छा काम करेगा, ये मेरी नई सोच है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, शाबाश भाई।